टीवी के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद का सोमवार को निधन हो गया। पिछले 10 सालों से चल रहा ये सीरियल उसके किरदार घर घर में लोकप्रिय हैं। लेकिन डॉक्टर हाथी को खोने के बाद हर कोई सदमे में है, हर कोई दुखी है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन होगा इस सीरियल में अब अगला डॉक्टर हंसराज हाथी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। डॉक्टर हाथी एक फेमस किरदार, ये हंसता हुआ चेहरा अब केवल याद बनकर रह गया है। लेकिन इसके साथ ही लोगों के मन में ये भी सवाल उठने लगा है कि अब सीरियल में ये किरदार कौन निभाएगा। इस सीरियल में इस किरदार को निभाने में सबसे पहले जो नाम है वो है निर्मल सोनी का। वो शुरुआती दौर में डॉक्टर हाथी का किरदार निभा चुके हैं। जी हाँ, आज से 10 साल पहले जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ था तब भी निर्मल सोनी डॉक्टर हाथी का किरदार निभाते थे। निर्मल सोनी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अलावा पुलिस फैक्ट्री, कबूल है जैसे शो कर चुके हैं। इसके अलावा वो शूट आउट एट लोखंडवाला, तेरा मेरा साथ रहे, एक्शन जैक्शन और दिल बेचारा प्यार का मारा जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। तो अब डॉक्टर हाथी के अलविदा कह देने के बाद, उनके निधन के बाद निर्मल सोनी का नाम सबसे पहले आ रहा है। माना जा रहा है कि निर्मल सोनी ये किरदार अब निभा सकते हैं, उन्हें ये किरदार ऑफर किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि निर्मल सोनी भी इस किरदार को बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाने वाले हैं, लेकिन हर कोई अपने चहेते कवि कुमार आजाद को जरूर मिस करने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।